आज गणतंत्र दिवस है। आज झंडा का कलर देखे हैं? झंडा का कलर में सबसे पहला रंग कौन होता है? भगवा। और सबसे निचला रंग कौन सा होता है? हरा। तो भगवा रंग आप समझिए कि बीजेपी है, और जो हरा रंग है वो आप उसको आरजेडी मान लीजिए एग्जांपल उदाहरण के तौर पे। और बीच का जो झंडा है ना, बीच का जो कलर है वो कौन सा कलर होता है? वाइट, सफेद। उसको आप मान लीजिए जदयू। अब ये आप देखिए कि ये दोनों कलर के बीच में रहता है, यानी ये दोनों के बीच में एक मतलब परिवर्तन के तौर पर रहता है और दोनों में सम्मिलित और समाहित रहता है। राजनीति की ऐसी चीज है जो कभी कुछ भी हो सकता है। जदयू का पेट मिला हुआ है। नीतीश चाचा का नाम पहले नीतीश चाचा रखा गया, फिर पलटू राम रखा गया, अब इनका नाम महापलटू राम हो गया। अब घर वापसी है ना? अब इनका घर वापसी है, अब इनका कुछ नहीं होने वाला है। रही बात इलेक्शन की, तो 2025 में आरजेडी बिहार से बहुमत से अपना सरकार बनाएगा और ये पूर्ण विश्वास है हमें। पॉलिटिक्स के जो हमारे नीतीश चाचा हैं वो आलू हैं, वो बैंगन के साथ भी अच्छे लगते हैं, मटर के साथ अच्छे लगते हैं, टमाटर के साथ अच्छे लगते हैं। वो ऐसे इंसान हैं बिहार के लिए जो कोई भी सब्जी इनकम्प्लीट है उनके बगैर। बैंगन के साथ बरी मिला जी, उसमें भी आलू चाहिए आपको, वो बाइंडिंग एलिमेंट है। तो उनका पुनः घर वापसी हो रहा है। पर बात रही आलू की, हम तो जब तक बिहार में रहेगा आलू तब तक रहेगा लालू। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। मोदी जी का तो भागुदय पहले भी था, अब और भागुदय उनका हो गया है। अब तो वो जो चाहेंगे वो श्री राम करेंगे, सिंपल बात। अब जो श्री राम चाह रहे थे वही हुआ है। सबसे पहले बिहार से ही शुरू हो गया है। बिहार में भी रामराज आ गया है। क्या बिहार में भी रामराज आएगा? हाँ आ ही गया। हलचल रही, आने वाला है। आपको क्या लगता है कि हर कोई बीजेपी को सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे आप करें चाहे हम करें चाहे कोई, वो करना ही करना है। और इससे क्या होगा कि जदयू का अस्तित्व मिट जाएगा। 40 सीट है यहाँ पे, 40 सीट में 40 सीट बीजेपी के खाते में गिर जाएंगे। तो कम से कम जदयू बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहाँ से गठबंधन तोड़कर और वो NDA के साथ गठबंधन करके अपना भविष्य को सही जगह पे रख रहा है। नहीं तो पता चलेगा कि जदयू के खाते में एक भी सीट ना आया MP का, और उसके बाद आपको पता है क्या होना है। तो